दोस्तों, आज मैं आपको समोसा कट पजामी बनाने बता रही हूँ। देखिए आप कैसे बनाते हैं, देखिए इसमें कितना कपड़ा लगता है और कैसे इसका नाप लिया जाता है, कैसे इसे तैयार किया जाता है। देखिए, चलिए आज हम समोसा कट पजामी बना रहे हैं। मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है, समोसा कट पजामी तैयार करनी है हमें, तो हम 2 मीटर कपड़ा ले लेते हैं। इसका हमने दो तय किया हुआ है, फोल्ड करके इसको हमने फोल्ड किया हुआ है। अब हमने इसमें से समोसा कट पजामी तैयार करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कपड़े को दो तह करके हम इसका समोसा आकार का ये कपड़ा इस तरह से हम मोड़ लेते हैं। हम इसको ऐसे करके मोड़ लेते हैं। फिर हमने इसके लिए सबसे पहले हम पोंछे का नाप लगाते हैं नीचे से कि हमारी मोरी, अगर हमारी मोरी 5 इंच तैयार होती है तो हम इसका 6 इंच निशान लगा लेते हैं। 6 इंच पे हमने निशान लगा लिया। फिर हम इसको 15 इंच के करीब, सॉरी 13 इंच के करीब इसको सीधा ले लेते हैं। यहां से हमने बीच में से इसमें एक निशान लगाना है, बीच से बिल्कुल सेंटर से सीधा निशान लगा लेना है। यहां थोड़ा 4 इंच के करीब छोड़ के ऊपर से हमें घुटने का निशान लगाना है। हमारा घुटना 18 है तो हम उसका 9 इंच के निशान लगाएंगे। यहां से हमने ऊपर 20 से सेंटर से 11 इंच के करीब छोड़ के निशान लगाना है। इस निशान को हमने यहां से लेके इस तरीके से, देखिए यहां से ऐसे गोलाई में करके इसको यहां से ऐसे सीधा निशान लगाना है। पजामी की लेंथ हमें जितनी भी रखनी होती है, कोई कम चूड़ी पहनता है, कोई ज्यादा पहनता है, उस हिसाब से हम रख सकते हैं। पजामी की लेंथ 50 इंच के करीब तैयार की जाती है। ये हमारा 47 बैठ रहा है, इसके हिसाब से हम आप ज्यादा भी ले सकते हैं, 50, 52 जितना भी हम ले सकते हैं ले लेते हैं। अब ये हमारा, मैं इसको काटती हूँ। हमारा इस तरह से ऊपर से इसको 2.5 इंच के करीब यहां से काट देते हैं। ये हो, अब इसमें से दो पार्ट निकल जाते हैं, एक इधर का और एक इधर का। अब इसको हमारा ये ऐसे समोसा कट पजामी बना तैयार होने जा रही है। अब ये जो साइड का हिस्सा बचता है, जो हमारी ये कटिंग निकली है, इस कटिंग में से हमने आसन में लगाने के लिए कपड़ा निकालना है। यहां से ये कपड़ा हमारा इस तरह से हमें इसे जोड़ना है। इतना कपड़ा हमने ऐसे लेंगे यहां से, ये कटिंग हमें आसन में जोड़नी होती है।
हमारे चार पीस निकल आते हैं, दो पीस एक पार्ट में लगाने होते हैं, दो एक पार्ट में लगाने होते हैं। ये हमें कुछ इस तरह से यहां से ऐसे करके इसको यहां से जोड़ना है। ये हमने इसमें इस तरह से करके जोड़ना है, दो पार्ट एक पीस में जोड़ना है, दो एक पीस में जोड़ना है। इसी हमारा आसन में कटिंग जुड़ जाती है। इससे हमें ये जो हमारे पास कपड़ा बचता है इसमें से हमें बेल्ट तैयार करनी होती है। बेल्ट की लंबाई ये हमारे कपड़ा बेल्ट के काम आ जाता है। बेल्ट की लंबाई हमें 24 लेनी होती है। ये चौड़ाई हमें 24 लेनी होती है। किसी की कमर ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, मीडियम जो है वो 24 रखते हैं। ये 24 इंच चौड़ाई हमें रखनी है 8 इंच बेल्ट की। ये हमारी पजामी की बेल्ट तैयार। इस तरह से हमारी ये बेल्ट निकल जाती है। इसको अब पजामी की लंबाई का आसन का हमें ये देखना है। 8 इंच हमारी बेल्ट निकल गई और हमें और कितना 16 इंच का हमें आसन तैयार करना होता है। तो हम इस पार्ट को जोड़ने के बाद ये नापते हैं। 8 इंच ऊपर से छोड़ देना है, 8 इंच ये छोड़ के 8 इंच पे यहाँ हमने निशान लगाना है आसन के लिए, गोलाई के लिए। ये पार्ट जोड़ने के बाद हमें ये कटिंग करनी होती है। ये इस तरह से तैयार कर लिया है, दो पार्ट इसमें जोड़ लिया, दो पार्ट दूसरे हिस्से में जोड़ लिया। इस तरह से जोड़ने के बाद हम आसन का गोलाई कर लेते हैं। ये हमने गोलाई की हुई है। अब ऊपर से हमें इसमें 8 इंच की बेल्ट जोड़नी है। 8 इंच छोड़ने के बाद हम इसको यहाँ 18 इंच लेते हैं। 8 इंच ऊपर से छोड़ दिया, 18 इंच पे हमने गोलाई की है। फिर गोलाई करने के बाद ये हमारी ऐसे करके सिलाई आ जाती है, इसके ऊपर बेल्ट लग जाती है। इससे हमारी ये समोसा कट पजामी तैयार हुई है। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये आपको समोसा कट पजामी बताई है। देखिए इसमें कुछ कमियां हैं तो उसके सुधार के लिए मुझे आप बताइए इसमें मैंने क्या कमी की है। देखिए आप लोग समझिए, इस तरह से मैंने समोसा कट पजामी तैयार कराई है। और ये तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।